आत्मतत्व के स्वरूप का निरूपण, सांख्य एवं योग के ज्ञान का अभेद, आत्म साक्षात्कार के साधनों का वर्णन। ईश्वर ने कहा, द्विजों, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते, मेरा वो विज्ञान अत्यंत गुह्य है, सनातन है एवं बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विजनों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा, अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। वो ज्ञान गुह्य से भी गुह्यतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं ये ज्ञान बतलाऊंगा। जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी का अंतरतम साक्षात चिन्ह मात्र और तमोगुण से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वो माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी माया से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। ये प्रभु आत्मा न तो गतिशील है और न गति प्रेरक है, न ये पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है और न आकाश ही है। ये न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप, न रस है, न गंध ही है, न अभिमानी है, न वाणी ही है। द्विजोत्तमो, ये न हाथ, न पैर, न पायु, शौचेंद्रिय और न उपस्थ, मूत्रेंद्रिय, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थ चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच का और परमात्मा का भी कोई ऐक्य, अभेद आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण है, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न है। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकारयुक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमार्थ अपने विकार रहित, दुख शून्य, आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूँ, सुखी, दुखी, कृश एवं स्थूल हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव ये संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और ये प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के सर्वथा अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूं ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत एवं असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कुठस्थ एवं निरंजर होते हुए भी ये आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वमात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग, द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है, इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, कुटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्थ अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त, महतत्व, अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है, यह भेद मूलतः माया प्रकृति के कारण ही है तथा यह आत्मा पुरुष के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप, विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभावतः कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुंजा आदि
उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर शुद्ध नित्य सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वो योगी बिना किसी व्यवधान के आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्मदर्शन करता है, तब वो उस परम तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तब वो पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थक्य को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व से उसका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वो परमार्थ सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वो मुक्त हो जाता है। जब योगी को जन्म जरा दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है, तब वो शिवरूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियां सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जीवात्मा निष्कल अक्षर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है, प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं। विज्ञान अज्ञान से आवृत है, इसी से संसार जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वो विज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह आप लोगों को सांख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया। ये संपूर्ण वेदांत का सार है, इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित स्थिर होता है। योग तथा ज्ञान संपन्न पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे प्राप्त करते हैं, सांख्य वेत्ताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है वो तत्वज्ञानी होता है। विप्रो, ऐश्वर्य आठ प्रकार की सिद्धियों एवं अन्य वैभव आदि से आसक्त चित्त अन्य योगी जन उसी में डूबी रहते हैं, अतएव उन्हें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता, ऐसा श्रुति वचन है। जो सर्वव्यापी दिव्य ऐश्वर्य रूप अचल और महत्व सर्वश्रेष्ठ है, उसे ज्ञान और योग संपन्न पुरुष देहांत होने पर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण वेदों में सर्वात्मा सर्वतोमुख के रूप में प्रतिपादित अव्यक्त मायावी माया का अधिष्ठाता तथा परमेश्वर स्वरूप मैं ही वो आत्मा हूं। मैं अंतर्यामी सनातन सर्वकाम सर्वरस सर्वगंध अजर अमर और सभी ओर हाथ पैर वाला हूं। हाथ और पैर के बिना भी मैं गति करने एवं ग्रहण करने वाला हूं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, बिना नेत्रों के भी देखता हूं और बिना कानों के भी सुनता हूं। मैं इस समस्त प्रपंच को जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान पुरुष कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषि गुणरहित और विशुद्ध रूप आत्मा के हेतु स्वरूप उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का दर्शन साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मवादियों, मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिस तत्व को नहीं जानते उसे मैं कहता हूं, आप लोग ध्यान लगाकर सुने। मायातीत में स्वभावतः सबका अनुशासता नहीं हूं, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूं। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं, इस कारण अहेतु की कृपा ही है। मेरा जो अत्यंत गुह्यतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगीजन उसमें प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी सायुज्य नामक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्व रूपणी माया उनके वश में रहती है, वह मेरे साथ मेरा सायुज्य प्राप्त कर परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगिंद्रों, ये वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग समन्वित विज्ञान को अपने पुत्र शिष्य एवं योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान न करें।